हेलो आदिति बेटा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब तरक्की करें। जय हो। तारीफ है, बहुत अच्छा लगा। जो इसमें आपका काम लगा था वो अभी तक नहीं लगा था। लव यू, बहुत शुक्रिया। कामरा जी, अच्छा बहुत अभी बाकी है ना। बाबा विश्वनाथ की नगरी में और हम लगेंगे फिल्म का। आप सबको बधाई देता हूँ इसलिए। पूरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी कलाकार जितने कोई टीम है, आप सबकी आस्था और व्यवस्था को इस रूप से प्रणाम करते हैं कि आपने इतना बढ़िया आयोजन किया है। सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है और खासकर इस फिल्म के जो हीरो है पावर स्टार पवन सिंह जी, आपके लिए दो बातें हम कहना चाहेंगे कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और खड़ा होना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और खड़ा होना भी और बहुत मुश्किल है, बड़ा हो के बड़ा होना भी। आप एक अद्वितीय व्यक्ति थे और इस मंच से आपने बात रिश्तों की सुनी। अगर रिश्ता बनाना कोई सीखे तो पवन सिंह से सीखे, रिश्ता का निर्वहन अगर कोई सीखे तो पवन सिंह से सीखे। और हम चार प्रक्रिया पूरे सदन को पूरी स्क्रीन को निवेदित करना चाहेंगे कि रिश्तों की अहमियत है कि एतबार के चलते है, रिश्तों की अहमियत है कि एतबार पे चलते हैं और नफरत को भुला करके ये प्यार पे चलते हैं। और इनकी जीने की अलग राह है साहब, ये जब भी चलते हैं तो तलवार की धार पे चलते हैं। सारे जितने लोग इकट्ठे हैं इस पूरे सदन में, आप सबके लिए हमें ये चार शक्तियां निवेदित करना चाहेंगे। क्या पता था आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, क्या पता था आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे और अपने आप में ही इतना तरल हो जाएंगे और भोर की पहली किरण बनकर हमें छू लीजिए, आपकी सौगंध खिलकर कमल हो जाएंगे, आपकी सौगंध खिलकर कमल हो जाएंगे। धन्यवाद और सादर धन्यवाद हम पवन सिंह जी को करते हैं कि आपने हमें बिहार से बुलाया और इस गीत में गीत लिखने के लिए हमारा भी योगदान इस फिल्म के लिए है। अपने आप को मैं आपका ऋणी मानता हूँ कि आपने इतना बढ़िया काम के लिए, इतने बढ़िए फिल्म के लिए हमारा भी योगदान इसमें आंशिक रूप से रहा, इसके लिए सादर धन्यवाद। पूरी टीम को हम करते हैं धन्यवाद। मेरा प्यारा भाई, बहुत ज्यादा हिट गाना लिखने वाला रोशन सिंह विश्वास भी हमारे बीच है, तो एक भाई के नाम पे जोरदार तालियां। और जितने भी 10-20 भाई यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक बार दिल से बोलिए हर हाथ बन गए। आइए थोड़ा संगीत का आनंद लिया जाए।